विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को एसपी रेलवे पुष्पांजलि ने पुलिस अधीक्षक रेलवे के परिसर में पौधरोपण किया तथा लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान एसपी रेलवे सीओ रेलवे सहित अन्य कर्मचारियों ने पौधरोपण किया और लोगों को भी पौधरोपण करने का संदेश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी की पुलिस अधीक्षक पुष्पांजलि ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फातिमा हॉस्पिटल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया। नई प्रजाति मतलब आम की प्रजाति सोड़ रही था और अमरूद अमरूद है कांवला विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। हम सभी जैसा जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे मानव समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। वैसे तो हमको हर दिन पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, लेकिन इस दिवस के माध्यम से हम ज़्यादा जागरूकता फैला पाते हैं, अपने आप में भी, अपने स्टाफ में भी, जनता में भी। इसी उद्देश्य से हमने कार्यक्रम आयोजित किया। 5 जून को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 1973 में ये प्रोग्राम आरंभ किया गया था पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का। उसी कड़ी में हर वर्ष एक नए थीम के साथ पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम से नो टू प्लास्टिक है, प्लास्टिक के उपयोग के ऊपर है, क्योंकि उससे जो है बहुत ही नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। आज वन विभाग और माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण ने फातिमा हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, जहां लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया और पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों और उससे नुकसान से उनको अवेयर किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया और एक संदेश दिया कि वृक्ष लगाइए और पॉल्यूशन को, प्रदूषण को दूर भगाइए। इस मौके पर हमने एक मैसेज भी दिया कि हमें अपने हिस्से की ऑक्सीजन खुद पैदा करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें जो है, हम में से हर एक को वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जिसका रिलीज़ कर रहे हैं, जिसको और ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उसका खुद से इंतज़ाम हम करें। जो हम पेड़ लगाएंगे वो इस वातावरण को खुशनुमा बनाएगा और उसमें जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को देकर लोगों को स्वस्थ बनाएगा। तो ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप आपके दर्शक आपके माध्यम से दर्शकों को ये हम कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जितना अधिक हो सके वृक्षारोपण करें। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो गमलों में पौधे ही लगाएं, कुछ उससे भी असर पड़ेगा।